अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विद द न्यू वीडियो। द वीडियो इज़ न्यू बट द टॉपिक इज़ रिलेटेडली ओल्ड। एज़ यू ऑल नो दैट टॉपिक इज़ इंजन ट्रबल, दैट इज़ रिटन बाय आर के नारायण। एंड दिस वन लाइन एंड वन स्मॉल पैराग्राफ इज रिमेनिंग टू द कैरेक्टराइजेशन, ओके, रिमेनिंग ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड आवर स्टोरीज मीनिंग कंटेंट, ओके। सो दैट इज़ द 2.4.3। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर बिफोर एक्सप्लेनिंग, बिफोर राइटिंग योर आंसर अबाउट अ पर्टिकुलर स्टोरी और अबाउट द मीनिंग और एनी क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ द स्टोरी और द शॉर्ट स्टोरी और एनी थिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर टू अपडेट द एरा डेट ऑफ दैट स्टोरी, ओके। उसका डेट, जिस डेट में उसने लिखा गया या जिस डेट में उसको पब्लिश किया गया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो ऑलवेज एक्सप्लेन, ऑलवेज राइट इट विद द डिफरेंट कलर पेन। Talkative Man is a narrator of many a short story of Narayan. Talkative Man जो है नारायण की बहुत सारी ऐसी लिखी हुई छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसमें उन्होंने नरेटर को काफ़ी ज़्यादा बोलता हुआ दिखाया है, ठीक है। और ये एक Talkative Man एक स्टोरी खुद में है, itself is a story, okay? Talkative Man 1986 claimed to be, जिस तरह से ये इधर नंबर दिया हुआ है, ये ना नंबर नहीं है बल्कि ये इस कहानी को लिखने की इस एज में, इस सन में, इस एरा में इस कहानी को लिखा गया है, ठीक है। क्लेम्ड टू बी अ शॉर्ट स्टोरी बाय द ब्लर्ब। ब्लर्ब उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है कहानी जो है ये क्लेम की गई है शॉर्ट स्टोरी के तौर पे किसी ऐसे बकवास करने वाले शख्स की तरफ से, ठीक है। बट डिस्क्राइब्ड बाय नारायण हिमसेल्फ एज अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी ऑफ 116 टाइप रिटन पेजेस। लेकिन डिस्क्राइब्ड किया गया है नारायण ने इन्हें, इस कहानी को ऐसा डिस्क्राइब किया है जैसे ये लॉन्ग कहानी है 116 टाइप रिटन पेजेस पे कंटेक्स्ट करती है, ठीक है। इज द स्टोरी ऑफ एन अमेच्योर जर्नलिस्ट प्राउड ऑफ कॉलिंग हिम सेल्फ टॉकेटिव मैन TM, ठीक है। ये एक ऐसी कहानी है जो अमेच्योर जर्नलिस्ट हैं जो खुद को प्राउडली ऐसा कहलाते हैं कि वो एक बात करने वाले बहुत ज़्यादा टॉकेटिव मैन हैं, बातूनी इंसान है। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ फ्यूचरोलॉजिस्ट, जो नरेट करते हैं ऐसी कहानियों को जो फ्यूचरोलॉजिस्ट के तौर पर, डॉक्टर रंगन रान with a double N, who proves to be an expert not so much in futurology as in the fraudulent art of Caspanovism, showing wild oats around, ठीक है। वो ऐसा साबित करते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फ्यूचरोलॉजी में, लेकिन वो धोखेबाजी में, धोखेदड़ी में, इस फन में वो माहिर हैं। और कैस्पानोविज्म, कैस्पानोव किसे कहते हैं, कैस्पानोव ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बेहुदा हो, धोखेबाज हो, धोखा देती हुई हो, जो हो कुछ दिखाए कुछ, जाहिर उसका कुछ हो, अंदर कुछ हो। और कुफ्र बोलने वाले को भी कहते हैं, ये एक आर्ट है जिसे कैस्पानोविज्म कहा जाता है, शोइंग वाइल्ड ओट्स अराउंड, ठीक है। इस तरीके से ये एक कहावत भी दी गई है साथ में, शोइंग वाइल्ड ओट्स अराउंड, इस कैस्पानोविज्म के मुहावरे को मुकम्मल करने के लिए। तो कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारी कहानी का, जिसमें इंजन ट्रबल की बीवी को दिखाया गया, सॉरी इंजन ट्रबल के जो प्रोटागोनिस्ट हैं उनकी वाइफ के बारे में बात की, उनके खुद के बारे में बात की, उनके स्ट्रगल के बारे में बात की गई है, और इंजन ड्राइवर के बारे में बात की गई है, कुलीस के बारे में बात की गई है। इफ़ यू विल सी द प्रीवियस वीडियोस देन यू विल बी एबल टू नो एवरी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी सिंगल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। So I am just winding up this video in here, and in my next video I am uploading about meaning, okay. Jazakallah.